चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो गाइस, केम छो, मजा मा। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेश सोहलिया आर्ट्स पर। दोस्तों, आज जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब मैंने आज थोड़ी नई टेक्निक यूज़ की है, नया एक्सपेरिमेंट किया है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से मैंने पेंटिंग की है। जो सनलाइट डायरेक्ट आती है वो सनलाइट को यूज़ करते हुए मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में रखते हुए और वुडन पर मैंने पेंटिंग की है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था मेरा, तो सोचा कि गणेश जी की पेंटिंग बनाई जाए, क्योंकि हम कुछ भी नया चालू करते हैं काम तो पहले गणेश जी को याद करते हैं। उसी हिसाब से मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए गणेश जी की पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग बनाने में मुझे तकरीबन 5-6 घंटे लग गए हैं, क्योंकि मेनली डिपेंड है सनलाइट के ऊपर, और मौसम बारिश का है तो सनलाइट डायरेक्ट आती नहीं, और डायरेक्ट आती है तो इतनी सही से नहीं आती, तो वेट करना पड़ता है और पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर नॉर्मल पेंटिंग हम देखते हैं तो उसमें चलो बड़ा ब्रश ले लिया और डायरेक्ट ड्रॉ कर लिया और हो जाता है, पर इसमें आप कितना भी बड़े या कितना भी छोटा पेंटिंग हो, आपको पेशेंस के साथ छोटे छोटे डॉट्स, इससे छोटे छोटे डॉट्स लगाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है और पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।